लीजिए दोस्तों, पेश है एक और लाजवाब रेसिपी, पंजाबी मसाला चिकन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे ताकि खाने का मजा आ जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश चिकन और उसे करेंगे मैरिनेट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थोड़ी सी चीजें डालेंगे मैरिनेशन के लिए, जैसे कि हल्दी, नमक और दही। बस इसे अच्छे से मिक्स करें और कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें मैरिनेट होने के लिए। तो मैरिनेशन हमारी हो चुकी है दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने चिकन को पकाना। तो सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल और उसमें डालेंगे जीरा। अपने कुछ खड़े मसाले जैसे कि ग्रीन कार्डिमम, ब्लैक कार्डिमम, क्लोव्स एंड बे लीव्स। इन सभी चीजों को हल्का सा सॉटे कर लें। सॉटे करने के बाद ऐड करें अपने कटे हुए अनियन स्लाइसेस को। इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसी में ऐड करें गार्लिक क्लोव्स और जिंजर। अभी आप देखेंगे कि हमारे प्याज जो है वो हल्के ब्राउन कलर के होने लगे हैं, तो गैस को करेंगे बंद और इसे ठंडा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब लेंगे दोस्तों कुकिंग ऑयल और उसमें डालेंगे अपने अनियन के पेस्ट को, जिसे हमने अभी अभी तैयार किया था। इसको तकरीबन एक मिनट तक फ्राई करें। हल्का फ्राई होने के बाद दोस्तों इसमें ऐड करें अपने टमाटो प्यूरी को और फिर इसको दोबारा एक मिनट तक अच्छे से पका लें। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज और टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसालों को, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और क्यूमिन पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और भून लें। हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मैरिनेटेड चिकन को, जिसे हमने बिल्कुल सिंपल 3 चीजों से मैरिनेट किया था। चिकन हमने ऐड कर दिया है, अब इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेना है। और अब इसको ढककर लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दें पकने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार तरीके से हमारा चिकन पक रहा है। अब इसमें ऐड करें गरम मसाला, अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें ऐड करें पानी।
और अब फिर से इसको ढककर छोड़ दें लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से चिकन को पक जाने के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करें कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर, जो हमारे चिकन को बिल्कुल चटपटा टेस्ट देगा। अब बस दोस्तों, अब इसको लगभग 1 मिनट तक पकाना है और हमारा लाजवाब पंजाबी मसाला चिकन तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बना है ना बिल्कुल मज़ेदार चिकन, आ गया ना आपके मुंह में पानी। दोस्तों इस चिकन को चावल के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं तो चला इसको फिनिश करने, आप भी बनाइए और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका पंजाबी मसाला चिकन कैसा बना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।